मैंने आपको ये सिखाया नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन की तरह रोटेशनल मोशन में नेट फोर्स की जगह नेट टॉर्क कर दो, मास की जगह आई कर दो और ए की जगह अल्फा कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा, राइट, क्लियर है। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है समझाने का, ये फिजिक्स का तरीका तो नहीं है कम से कम समझाने का, इनफॉर्मल तरीका है जिससे कि आप चीज़ें जल्दी रिलेट कर पाते हो, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, फिजिक्स से ही समझाना कि कहां से ये फॉर्मूला आया, नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। ये हो सकता है आपसे कोई पूछे भी ना, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी सारी बुक्स ऐसी समझाती हैं। तो इसके लिए इमेजिन करो एक बॉडी, एक लैमिना, कैसी बॉडी गोल घूम रही है। अब जब वो गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर, तो दो किस्म से रोटेट कर सकती है, या तो उसका उसकी स्पीड ओमेगा कॉन्स्टेंट होगी या स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, सिंपल है। अगर स्पीड उसकी ओमेगा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन है, लेकिन अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ने का मतलब कि पहले स्लो घूम रही है, फिर तेज़ घूम रही है, फिर और तेज़ और तेज़ और तेज़ और तेज़, तो उसमें क्या जनरेट हो गया, अल्फा। तो आपके सामने ही है मैंने क्या लिखा हुआ है, अल्फा। अल्फा का मतलब इसकी ओमेगा की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें पार्टिकल्स का एक्सिस से डिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे सॉलिड बॉडी, तो एक सॉलिड बॉडी है, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा घूमते हुए भी। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1, m2, m3 अप टू mn, mn पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है, m4 का r4 है, एंड सो ऑन। अब ये इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल की टेंजेंशियल, याद करो हमने सर्कुलर मोशन किया था, अगर ये एक्सिस है और कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी v। हम तो ओमेगा हमेशा क्या लेते थे, कांस्टेंट, और हम क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये वेलोसिटी हमेशा क्या होती थी, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा किसी भी सर्कुलर मोशन में। और अगर मान लो ओमेगा इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ से सिखाया था इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से r कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स एल्फा। तो ये सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट है, v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू r एल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखने वाली बात ये है, ये पार्टिकल r1 सर्कल में घूम रहा है, इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 है, और a1 क्या होगा, a1 की वैल्यू होगी इसमें r1 इंटू अल्फा। सेकेंड पार्टिकल r2 रेडियस में घूम रहे, तो a2 क्या होगा, r2 इंटू अल्फा, और उसी तरीके से an क्या होगा, r इंटू अल्फा। तो एक्सेलरेशन आ गई। अब फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगी, टेंजेंशियल फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, या ऐसे करो टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क होता है आर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में एफ है, तो एफ इंटू आर वन इसका टॉर्क है, और एफ की वैल्यू क्या होगी, एम वन इंटू ए वन। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर वन इंटू एफ वन, एफ वन की जगह एम वन इंटू ए वन, और ए वन की जगह आर वन इंटू एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा किया आज हमने, मल्टीप्लाई करके टॉर्क आ गया। सेकेंड पार्टिकल पे टॉर्क क्या आएगा, जहां जहां वन 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 है वहां टू टू कर दो, एनथ पे क्या आएगा, एनथ हो गया, टोटल टॉर्क क्या आएगा, इन्हें ऐड कर दो, ऐड करके एम अल्फा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, एम एन आर एन स्क्वायर, और ये क्या होता है, टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जिया। तो ये प्रूव हो गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। ये करेक्ट फिजिक्स का तरीका है समझाने का, लेकिन ऐसे समझेंगे फिर रिलेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे समझेंगे तो एक सेकंड में रिलेट करेंगे, अच्छा अच्छा नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अब इसकी एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कॉपी खोलनी पड़ेगी।